हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू टॉपिक ग्रेविटेशन। इससे पहले हमने मोशन और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन दोनों चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन इस वाले जो चैप्टर है, इसमें हम आज जो पढ़ेंगे टॉपिक्स वो क्या हो सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है और इसको देने वाले कौन थे, उन्होंने कौन सा लॉ दिया था, वो लॉ क्या था, एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या है। एक्चुअली आपने देखा होगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, या एक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसको क्या जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में आता है, है ना। तो यहां हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों सेम ही है, है ना। ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो ग्रेविटी का मीन्स क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप फॉल करते हो, गिराते हो, तो वो कहाँ जाता है, अर्थ पर, है ना, अर्थ के सेंटर पॉइंट पर पहुंच जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी ग्रेविटी, यानी जो ऑब्जेक्ट है और अर्थ के बीच में कोई ना कोई चीज अप्लाई होती है, या हम कहेंगे कि जब वो मोशन में है तो क्या अप्लाई होता है, फोर्स अप्लाई होता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आइए क्या मतलब हुआ। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता रहता है, समझ आए। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्लियर। अब इसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे। इससे पहले हम क्या करें, ग्रेविटी और देखते हैं क्या होती है, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। या ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कि क्या होता है, और ग्रेविटी या ग्रेविटेशन क्या हो सकता है, इसको ग्रेविटी को अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशन भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, इट इज द नेचुरल यानी प्राकृतिक घटना, है ना, नेचुरल फिनोमिनन क्या है ये, कि द फोर्स जो कि अभी हमने बात करी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any mass is called gravity या gravitation। देखो gravity में मैंने क्या बताया आपको, it is a natural phenomenon है ये, the force यानी gravitational force, है ना,
ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ दो चीजें ध्यान रखें आप, अट्रैक्शन और किसके उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, अर्थ जो उनके जो मास है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है उसके उसके द्वारा जो अट्रैक्ट किया जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्थ ही अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं होता है, सिर्फ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर या टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, उनके जो मास है उनमें लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि उनके बॉडी का मास भी कम होता है। माने टू बॉडीज हैं, है ना, ये दोनों बॉडी यहाँ रखी हुई है, इन दोनों बॉडी का मास क्या होगा, बहुत स्मॉल, सो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कम होगा, और इसीलिए ये आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अर्थ के पास क्या है, लार्ज मास है, तो लार्ज ही क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सो ये क्या करते हैं, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। क्या है ये, इसे हम अर्थ कह रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, क्लियर हो गई कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या है कि उनके जो मास होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सो उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए वो क्या कर पाते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते, यानी वो कैन नॉट बी डिटेक्ट इजीली, यानी डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। क्लियर। अब यहां पर हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो यूनिवर्सल लॉ, सबसे पहले इनको जो दिया था, जिन्होंने गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय, किसने दिया था ये, न्यूटन। समझ आया, न्यूटन ने सबसे पहले दिया था, और इनका जो पूरा नाम है वो है इसाक न्यूटन। समझ रहे हो, इसका पूरा नाम क्या है, इसाक, इसाक न्यूटन। और इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्योंकि इसाक न्यूटन ने दिया था, तो इन्हीं के सम्मान में कह लीजिए, इसे क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। समझ रहे हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल वे में ये बताया था, उन्होंने ये बात कही थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि कोई भी एवरी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अदर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक करता है अपनी तरफ, लेकिन उनका मास कम होने के कारण ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, और इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते, लेकिन किसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बात भी किसने कही थी, न्यूटन ने ही कही थी, है ना। तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है वो हम देख लेते हैं अभी। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, अभी मैंने कहा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely
inversely proportional to the square of the distance between them. ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ये हम बात कर चुके हैं अभी. उनके जो विद अ फोर्स, किसके द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स के द्वारा, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यानी दोनों बॉडी के जो मास होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. समझ रहे हैं? इसको अब हम किसके डेरिवेशन के थ्रू समझेंगे, है ना. इसका डिराइव करते हैं फॉर्मूला, एक यूनिवर्सल लॉ का एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में भी आपके आता है. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, हम दो बॉडी लेते हैं, समझ ना अच्छे से. तो इन दोनों बॉडी का जो ए बॉडी मान लीजिए, दूसरी बी बॉडी, सपोज द टू बॉडीज ए बॉडी एंड बी बॉडी, है ना, दे हैव मासेस एम वन एंड एम टू. इन दोनों बॉडी के मासेस जो क्या हैं, एम वन एंड एम टू हैं, एंड दे आर लाइंग एट अ डिस्टेंस. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे हम, आर ले लीजिए. डिस्टेंस को डी भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, आर ले लीजिए या डी ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से. समझ आया? तो अब हमारा पहला जो डेरिवेशन में फर्स्ट पॉइंट हम जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कि द फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ their masses. इसे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. फोर्स जो होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 m2. ये m1 m2 हमने लिया था, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स के, जो उसके मास होते हैं. इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए आप, समझ रहे हो. अब सेकेंड क्या हो सकते हैं, अब हमें दूसरी बात हमने क्या करी थी, कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, है ना. तो मैं इसको यहीं पर लिख रही हूं, द फोर्स, ये रफ कर रही हूं, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is inversely proportional to the square of the distance between them. अब देखिए हमने क्या बोला, जो फोर्स जो लग रहा है टू बॉडीज के बीच में, है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के लिए हम अपोन में जाते हैं, और आर चूंकि हमने डिस्टेंस लिया है, आर स्क्वायर हो जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए. मेरी बात क्लियर हो रही है ना दोनों? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन एंड टू से लेंगे. देखिए मैं दोनों इक्वेशन अब एक साथ साथ लिख रही हूँ यहाँ पर. इक्वेशन वन मेरी क्या थी,
एफ प्रोपोर्शनल एम वन एंड एम टू, ये मेरी इक्वेशन वन थी, मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिया वन अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरी दोनों इक्वेशन थी, दोनों ही एफ की वैल्यू है, समझ रहे हो? तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, एफ प्रोपोर्शनल एम वन एम टू और इन्वर्सली में क्या चला जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर? किसी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात कि किसी भी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, तो नेचुरली के हमें कांस्टेंट भी वही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जब हमारा प्रोपोर्शन हटता है तो वहां पर इज इक्वल टू आ जाता है और कॉन्स्टेंट लग जाता है जी, जी इज अ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। समझ आया कि इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है? अब अगर हम इसे, ये तो हमारा फोर्स है ना, अब अगर हम इसे ग्रेविटेशन के रूप में निकालना चाहें तो क्या होगा, यानी जी की वैल्यू निकालना चाहें, तो फॉर्मूले में जी अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। ये न्यूमेरिकल के लिए आपको पता होने चाहिए, अगर जी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर? अब यहां पर जी क्या है, इसे मैं रफ कर रही हूं, यहां पर जी क्या है, जी हमारा अभी मैंने बताया था, जी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है ना, जी को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट, इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे क्यों कहा जाता है, इसलिए बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। समझ रहे हो कि जो मीडियम होता है टू बॉडीज का, उस पर ही डिपेंड नहीं करता, ना तो ये इस पर डिपेंड करता है, ना ये उनके मासेस पर डिपेंड करता है ना, इसलिए से हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। समझ आया? अब यहां पर हम इसके क्या देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी यूनिट होती है। एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, वो क्या कि अगर जैसे मैंने फॉर्मूला पहले क्या बताया था, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफ के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर हम यहां पर डिस्टेंस को डबल कर दें, यानी आपका आर टू होगा तो आर स्क्वायर है, तो ये फोर नहीं हो जाएगा, स्क्वायर करते ही तो जो फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, वन बाई फोर्थ। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि इन्वर्सली है ना, इसलिए तो ग्रेविटेशन फोर्स बिकम्स वन बाई फोर्थ। लेकिन अगर आप आर को हाफ कर दें, है ना, तो अगर हाफ अगर आप आर को कर रहे हैं तो आपका जो ये होगा फोर्स होगा वो बिकम्स कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है वन मार्क्स क्वेश्चन में कि अगर, मैं रिपीट कर रही हूं इस चीज को, कि अगर आपका डिस्टेंस क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो डबल होते ही ये फोर हो जाएगा, आर फोर हो गया ना, तो ये फोर होगा एफ कितना हो जाएगा, वन फोर्थ हो जाएगा। और अगर आपका ये डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, हाफ कर दिया जाए, तो देखो यहां वन बाई फोर्थ हो जाएगा, तो ये आपका फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हम अब इसकी वो निकाल लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला आया था उसका हम क्या निकालेंगे, अब जी की क्या था हमारा, जी एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ जी। देखो एफ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन में। आर को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में, है ना। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में रखा जाता है। और तुम्हें याद हो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। एम वन और एम टू, इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से। तो एम वन का भी किलोग्राम, एम टू का भी किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और पर जो डिवाइड में होता है ना, उसके लिए हम लगाते थे पर किलोग्राम स्क्वायर। समझ आया, यूनिट जी की यूनिट क्या होती है, जी की यूनिट ये होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जी का वैल्यू क्या होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, वैसे तो देखा जाए तो जी की वैल्यू होती है बहुत स्मॉल होती है, है ना। जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत 6.67 इंटू मल्टीप्लाई 10^-11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, जी की वैल्यू होती है ना। ये वैल्यू बहुत स्मॉल होती है जी की। वैल्यू ऑफ जी क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। तो जो जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। समझ रहे हो, मेरी बात क्लियर हो रही है। और यही कारण होता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन हो जाता है वो कम हो जाता है। जो अर्थ होती है उसके जो मास होता है वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो नेचुरली ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी लार्ज होगा। और इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं तो वो बैक ऑन द ग्राउंड या अर्थ। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज टू बॉल है आपके पास, है ना, दो बॉल है और दोनों का जो मास है वो क्या है, 1 kg। इसका भी 1 kg और इसका भी 1 kg। क्लियर। इनके मास ही है m1 एंड m2। ए और बी ये दो बॉल्स हैं। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कितना ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r यानी 1 meter। क्लियर। अब हम इसका क्या निकालेंगे, फोर्स देख लेते हैं कितना होता है। तो F इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो फॉर्मूला हमारा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां हमने क्या रखा है, g की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 6.67 इंटू 10^-11। और m1 m2 हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 × 1। और नीचे भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है। तो जो हमारा फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कितना आएगा, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11। क्लियर। ये हमारा क्या आया, फोर्स आया। तो ये फोर्स जो आया है वो क्या है, ये ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बॉल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था उससे क्या हुआ, वेरी स्मॉल, है ना, बहुत ज्यादा क्या है, ये स्मॉल है। इसीलिए दोनों बॉल क्या हो रही है, आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है। समझ आया। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि जो हमारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, पर दे डू नॉट कॉज एनी मोशन, उनके बीच में कोई मोशन नहीं होता। रीजन क्या है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या है, बहुत ज्यादा कम है। समझ रहे हो, इसलिए वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। समझ आ रही मेरी बात। अच्छा, यहां पर एक एग्जाम्पल है, वापस अगेन एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, कि जो अर्थ होती है ना, हमारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो लार्ज हो या स्मॉल हो, है ना। तो जैसे हमने सन और अर्थ लिया,
तो ये दोनों जो होते हैं सन और अर्थ, दोनों ही क्या होते हैं, लार्ज बॉडीज हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर ये लार्ज बॉडी है तो उनमें मासेस भी क्या होगा, लार्ज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बॉडीज होती हैं अगर उनमें लार्ज मासेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनमें क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है ना। अब क्या होगा अगर उनमें लार्ज है, तो देखिए अर्थ जो है वेरी लार्ज मासेस, ये पहले भी मैं बताया है कि अर्थ के पास क्या होता है, लार्ज मासेस है, तो फोर्स कोई भी जब थ्रो करोगे आप कोई चीज थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करने के बाद ये बॉल है आपने थ्रो करी, तो अब किसी और ऑब्जेक्ट में तो इतना हैवी मास नहीं, मतलब लार्ज मास नहीं है, अर्थ के पास है लार्ज मास, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या है, लार्ज है ना। तो ये जैसे ही यहां पहुंचेगी ये मोशन करके कहां जाएगी, नीचे यानी अर्थ के पास आ जाएगी, समझ रहे हो। स्मॉल साइज एंड बिग साइज का मीनिंग समझ आ रहा है, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा, क्लियर हो रही बातें। दो बॉल्स हैं, है ना, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को अटैक कर रही हैं। अच्छा अटैक कर रही हैं, बट दे डू नॉट शो एनी मोशन, आपको इन दोनों के बीच में कोई भी मोशन नजर नहीं आता, है ना, कोई मोशन नहीं है इन दोनों के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे को अटैक कर रही भी रही कि नहीं। रीजन क्या है, ड्यू टू देयर स्मॉल मासेस, ये बात हम बात कर चुके हैं ना, इनका जो मासेस है वो क्या है, स्मॉल है, इनका जो मासेस है बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो क्या होगा, इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा, ये तो हम बात कर चुके हैं। अगर मास स्मॉल होता है तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो भी क्या होता है, वो भी कम हो जाता है, समझ आया। तो इसलिए हमें ये एक दूसरे की तरफ अटैक करती हुई दिखाई नहीं देती है, या एक दूसरे की तरफ मोशन करती हुई दिखाई नहीं देती है, समझ रहे हो। अब एक चीज और देखिए, क्या होता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एक अर्थ है, जैसे एक क्या अर्थ है, अर्थ तो अर्थ ही है ना, अर्थ है, इसके यहां एक बॉल है। अब ये अर्थ पर जो बॉल रखी हुई है इसका हम कैलकुलेट करते हैं क्या, ग्रेविटेशन फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं बॉल का, और ये जो बॉल है देखिए इसमें देखो ये कांस्टेंट है, जी है कांस्टेंट होता है, एम वन, एम वन का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थ है उसका मास, डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच में, यहां सेंटर पॉइंट पे कोई बॉल पड़ी हुई तो इसका डिस्टेंस ये देखा जाएगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो यहां से जो चेंज होगा वो क्या होगा, सिर्फ ओनली एम टू, यानी एम टू जो इस बॉल का वन केजी मास है वो, समझ आ गया। तो अब इसका जो अर्थ का जो वो मास होता है वो मास कितना होगा, 6 × 10^24 केजी, अर्थ का जो मास होगा यानी एम वन जो हमारा होगा वो कितना होगा, 6 × 10^24 केजी, समझ रहे हो। और इसी तरह से अगर हम इसका वो देख लें, जी की वैल्यू हमें पता ही कितनी होती है, 6.67 × 10^-11, ये हमारी क्या होगी, जी की वैल्यू। और एम टू हमें क्या करना पड़ेगा, किसका मास रखना पड़ेगा, सिर्फ ओनली बॉल का मास, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ही है ना। अब इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट पर रखा हुआ है वो कितना होता है हमारा, यानी इसकी जो रेडियस है, ये देखो रेडियस ही तो निकलेगी यहां से, है ना, तो ये रेडियस कितनी होती है हमारी, 6.4 × 10^3 किलोमीटर, ये हमारी क्या हो गई, रेडियस। आप देखिए आपको किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई 1000 और कर दीजिए तो ये मीटर में आ जाएगी, समझ आया। आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, एफ इज इक्वल टू 6.67 × 10^11, और एम कितना है आपका, 6 × 10^24, और एम टू कितना है आपका, 1 kg, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, आर कितना है, 6.4 × 10^3
1000 और स्क्वायर, तो आपका क्या निकल आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकल के आ जाएगा। अब यहां जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करेंगे आप तो कितना आता है, 9.8 न्यूटन आता है। अब 9.8 जो होती है वैल्यू वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होती है। आपने जो निकाला है अर्थ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है ना, अब ये कितना है 9.8, और 9.8 ज्यादा वैल्यू होती है यानी ज्यादा है। इसी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब आप थ्रो करते हैं ऊपर की ओर तो वो कहाँ आता है, अर्थ के ऊपर आ जाता है। क्लियर। व्हेन द बोथ ऑब्जेक्ट अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, बिग, तो नेचुरल कि उनका जो मासेस होगा वो भी क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, लार्ज होगा, हैवी अ लार्ज मासेस। समझ आया। और उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन देम बिकम्स एस एक्सट्रीमली लार्ज। समझ आया। अगर दोनों ऑब्जेक्ट आपके बिग हैं, बड़े हैं, तो उनका जो मास होता है वो भी क्या होगा, लार्ज होगा। साथ ही ग्रेविटेशन फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को वो भी क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज होगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल द सन, द अर्थ एंड द मून। क्लियर। ये तीनों जो हैं इनका क्या होता है, दे हैव लार्ज मासेस, दे हैव लार्ज मासेस। समझ आया। अब इसके कारण अगर इनके बीच में सॉरी ये जो है लार्ज मास रखते हैं तो ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल वो भी ज्यादा होगा, है ना। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड एंड और लगाइए एंड नहीं और बिटवीन द अर्थ एंड द मून। समझ आया। इसमें भी क्या होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स है अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द अर्थ और बिटवीन द अर्थ एंड द मून एक्सट्रीमली लार्ज। इन दोनों के बीच में यानी सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो लार्ज होता है क्योंकि दोनों का ही मासेस ज्यादा होता है। ऐसे इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। समझ आया। दोनों प्रॉब्लम आपकी समझ आ गई होगी किस तरह से होता है, क्या होता है, है ना। तो अब हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कुछ बातें करते हैं, लिखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट अट्रैक्टिव अ नेचर
एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर रखता है अपना। ये तो मैं पहले बताया था आपको कि आपको यहाँ पर दो ही चीजें याद रखनी है, एक अट्रैक्शन और एक मास, है ना। तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है एंड अ वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, क्योंकि मास के बिना भी कुछ नहीं है, है ना। अट्रैक्शन जब भी होगा फोर्स का तब जब मासेस ज्यादा होगा, क्लियर। इसके अलावा इनडिपेंडेंट ऑफ अदर मासेस, ऑन अदर मासेस, इन द सराउंडिंग, क्लियर। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा दूसरा लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन, है ना, पेयर, यानी दोनों पेयर्स में चलता है, एक्शन भी और रिएक्शन भी। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज, यानी हमेशा क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, कि जो एक तो अट्रैक्टिव नेचर रखता है, यानी दो बॉडीज को अट्रैक्ट करने के काम करता है, एंड इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकेंडली क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ अप्लाई होता है, जब दो बॉडीज के मासेस होते हैं उन बॉडीज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इनडिपेंडेंट ऑन अदर मासेस इन द सराउंडिंग, यानी जो भी सराउंडिंग में बॉडीज होंगी उनके मासेस पर ये डिपेंड नहीं करता है, और हमेशा फॉर्म रहता है एक्शन और रिएक्शन, यानी दोनों पेयर्स में ये वर्क करता है। तो मे बी क्लियर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, उसके यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, और किसने इसको अप्लाई किया है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये मेरे ख्याल से मे बी क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। और इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ओके।